सिंधी समाज के उत्पीड़न व महाराष्ट्र में 25 जुलाई को तथा गोरखपुर में 7 जुलाई को सिंधी समाज के युवाओं की हत्या के विरोध में मंगलवार को सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर सिंधी समाज के लोगों ने गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर के समक्ष प्रदर्शन कर एवं विरोध जुलूस निकाला। प्रदर्शन कर रहे सिंधी समाज के लोगों ने हत्यारों को गिरफ्तार कर फास्ट कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिंधी समाज के जीवन सिंह माधवानी ने कहा, हम लोग न्याय लेके रहेंगे जब तक इस सभी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुझे मीडिया से उम्मीद है और उम्मीद है कि आप लोग किसी तरह मदद करके हमारे हमारे नौजवान साथी मदद करने की कृपा करेंगे। मुझे जीवा सिंह माधवानी कहते हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, समाज के प्रति समर्पित रहता हूं। जब भी सिंधी समाज के अंदर कोई आवाज़ उठती है या अत्याचार होता है तो मैं आवाज़ बुलंद करता हूं। तो के माध्यम से अपनी आवाज़ सिंधी समाज की आवाज़ उठाना चाहता हूं। न्याय हेतु जिस तरह किशन सावलानी की राडो से मार कर तारामंडल पर हत्या कर दी गई, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा था कि यहाँ का SSP साहब के कहने पर 302 का मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। एक नौजवान 22 वर्ष का लड़का बेकसूर उसको मार दिया गया। मैं गोरखपुर प्रशासन से SSP साहब से अनुरोध करूँगा उन्हें सजा देने का प्रावधान करे और हत्यारों को गिरफ्तार करे और सिंधी समाज के साथ न्याय करे, उसके परिवार के साथ न्याय करे। जय झूलेलाल।